हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑल इन वन लड्डू। इसके लिए हमें लगेगा ये 50 ग्राम अंजीर है और इसमें 50 ग्राम जर्दालू है, उसको बारीक कट करके लिया है। ये 50 ग्राम काजू का पाउडर, 50 ग्राम गोडाम्बी का पाउडर, 50 ग्राम बादाम का पाउडर, 50 ग्राम पिस्ते का पाउडर, ये सारा हमें 50 ग्राम लेना है। और ये जो है ये खारीक और सूखा नारियल का पाउडर है, 300 ग्राम खारीक है और 200 ग्राम सूखा नारियल है, उसको एक साथ मिक्सी में पीस लिया। दोनों को एक साथ पीसने से जल्दी पीस जाता है। तो सबसे पहले हम जर्दाड़ू और अंजीर को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर उसको मिक्सी में पीस लेंगे और बाकी भी सारी चीज़ों को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। जर्दाड़ू और अंजीर को घी में अच्छे से भून लेंगे। जर्दाड़ू और अंजीर को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब घी में गोंद को डाल दिया है, इसको भी अच्छे से फूलने तक फ्राई करेंगे। गोंद भी अच्छे से तल लिया है, इनको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। आप कढ़ाई में बादाम, काजू का पाउडर, गोडाम्बी का पाउडर और पिस्ते का पाउडर एक साथ ही इसको घी में तल लेंगे। अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे घी में। अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने घी में भून लिया है। अब हम सबको एक साथ मिक्स करते हैं। ये खारीक और सूखा नारियल है, इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, गोडाम्बी और चिरौंजी, ये सब है। और ये जो है ये अंजीर और जर्दालू का पाउडर है, इसको भी भुनने के बाद मिक्सी में पीस लिया था। और ये गोंद को पीस लिया है मिक्सी में। अब इसमें ये 2 टेबलस्पून खसखस भून के लिया है, वो डालेंगे। ये जायफल, सौंठ और इलायची का पाउडर है, ये मिक्स करेंगे। ये किशमिश है, ये भी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से मिलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हम इसके लिए गुड़ की चाशनी बनाते हैं। कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और इसको हिलाते हुए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। सिर्फ गुड़ पिघलने तक ही हमें चाशनी बनानी है। गुड़ पिघल गया है, अब बस 1 मिनट तक इसको पकने देंगे और फिर बंद करेंगे। गुड़ अच्छे से पिघल गया है, चाशनी तैयार है, अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें लड्डू का जो मिश्रण है वो मिला देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी और मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। ऑल इन वन लड्डू बनके तैयार है। इसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, आयरन, कैल्शियम सब कुछ है। आपके ब्रेन के लिए, हड्डियों के लिए
एकदम परफेक्ट आपका फुल बॉडी टॉनिक है। आप साल में एक बार 1 महीने तक इसे खाएंगे तो पूरे साल तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। इसलिए आप इन लड्डू को एक बार जरूर बना के खाए, और पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।